फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनाया एंड वंडर मॉम स्टूडियो। मैं हूं आकांक्षा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूं। एक्चुअली फ्रेंड्स, काफी बाल मेरे ना बहुत ज्यादा, बिल्कुल एक तो बालों में ना डेंसिटी भी नहीं है और इतने ज्यादा मेरे झड़ते हैं बाल, तो इस वजह से मैंने सोचा बालों की कुछ हेयर स्टाइल चेंज करूं, कोई नया लुक लाऊं। इस वजह से मैं आज जा रही हूं अपने बालों में ट्रीटमेंट कराने। तो फ्रेंड्स, वो ट्रीटमेंट हमारा है स्मूथनिंग प्लस क्रेटीन। मैं अपने बालों में ये करा रही हूं। तो फ्रेंड्स, वो क्या होता है वो सब डिस्क्राइब में मैं आपको पूरा, मतलब डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगी कि स्मूथनिंग क्या है, प्लस क्रेटीन क्या है, तो वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। और मैंने कहाँ कराया है वो मैं आपको पार्लर भी अपना विजिट कराऊंगी, सलून जो हमारा है वो सलून में भी विजिट कराऊंगी। देन कैसे प्रोसेस होती है वो सारी चीजें मैं आपके साथ में फ्रेंड्स शेयर करूंगी कि क्या क्या, मतलब कौन सी क्रीम यूज हुई, क्या हुआ, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर बालों का लुक मैं दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे बालों का लुक, आप देखिए ये काफी, आप मिरर में देख पा रहे होंगे काफी, मतलब एक्चुअली ना काफी, मतलब टैनिंग है, ड्राई बाल हैं, हेयर आ रहे हैं हमारे, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ लुक चेंज करती हूँ, नया करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा 11:30 का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर वहाँ पे सलून में, तो मैं अराउंड 11:30 पहुँच जाऊँगी। ये हमारा जो सलून है ये सेक्टर 14th में है, तो मैं अभी जा रही हूँ सेक्टर 14 और वहाँ, चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे सलून में। चलिए फ्रेंड्स, रास्ते में मैं आपको दिखाती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको सलून में, वहाँ पे कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है मैं सारा आपको मैं दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम अपने सलून पहुंच चुके हैं और ये सलून फ्यूजन सलून सेक्टर 14 के मेन मार्केट में है और ये सलून के अंदर का एरिया है। अभी एक भी क्राउड नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो मेरा एक्चुअली 11:30 का अपॉइंटमेंट था, मैं फ्री थी उस टाइम पे, इस वजह से मैंने ले रखा था मॉर्निंग का। और ये देखिए, हमारे प्रोसेस स्टार्ट हो गई है हमारे हेयर का ट्रीटमेंट। तो आप देख सकते होंगे कि मेरे हेयर्स की कंडीशन देख सकते हैं कितना ड्राई एंड रफ हैं। इस वजह से ये ट्रीटमेंट लेना चाहती थी मैं। तो बहुत प्लान करने के बाद में मैंने बहुत सर्च किया, देन उसके बाद में मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि एक्चुअली वीडियो शूट करो तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता था हेयर स्ट्रेट करने में, तो इस वजह से मैंने सोचा अपना कोई नया लुक लेके आऊँ, नया लुक करूँ, तो इस वजह से। और फ्रेंड, जो सबसे पहले प्रोसेस होता है दैट इज़ शैम्पू, यहाँ पर जो हो रहा है, एंड शैम्पू के साथ कंडीशनर भी लगाते हैं। देन बालों को अच्छे से रैप करके उन्होंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। देन अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसके बाद में ब्लो ड्राई योर हेयर करेंगे एंड उसके बाद जो आपके हेयर हैं उसको अच्छे से सेट किया जाएगा लाइक दैट स्टेट। तो आप देख पा रहे हैं अभी बहुत अच्छे से बालों को ड्राई कर दिया उन्होंने। एंड हेयर सेट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर आपके हेयर को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे सेक्शन में आई रूट से। एंड उसके बाद जो स्मूथनिंग क्रीम होती है उसको अच्छे से आपके हेयर में अप्लाई करेंगे छोटे छोटे सेक्शन में। फ्रेंड्स, सो आई वुड टोल्ड यू सजेस्ट कि आप अच्छे सलून में कराएं, क्योंकि जो ये प्रोसेस होती है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो हेयर एक्सपर्ट हो उन्हीं से ही करवाएं, जो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये हेयर के लिए होता है, हेयर के लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। सो फाइनली हमारे हाफ हेड में पूरा, मतलब लग चुका है। अभी आप देख पा रहे होंगे बैक से उन्होंने स्टार्ट किया है, मोस्टली ये बालों में, अभी पूरे हेयर में वो कवर करेंगे।
ये देखिए हमारे मोस्टली हेयर में कंप्लीट हो गया और इसके बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बने रहिए ताकि आगे की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देन ये देखिए सारे प्रोसेस फिनिश हो गए, ड्राई हो रहे बाल हमारे। तो मैंने सोचा मैं वेट कर रही हूँ और अराउंड 40-50 मिनट्स लगेगा टाइम, तो मैं बैठ के कॉफ़ी का इंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि एक्सपर्ट हेयर को टच करके देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अच्छे से हेयर ड्राई हो चुके हैं या क्रीम अच्छे से अप्लाई हो चुकी है कि नहीं। देन उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होती है, हेयर वॉश करेंगे हमारे बालों में विदाउट शैम्पू। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हेयर वॉश किया। देन आगे की प्रोसेस जो होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेयर वॉश होने के बाद में देन ब्लो ड्राई योर हेयर एंड उसके बाद आपके बालों को अच्छे से सेट करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे सेक्शन लेके वो अच्छे से बालों में ड्राई कर रहे हैं, देन अच्छे से सेट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है आपके हेयर में वो आयरनिंग प्रोसेस होती है, वो छोटे छोटे सेक्शन में लेके डिवाइड करके आपके बालों में आयरनिंग करेंगे। अराउंड 180 से 230 डिग्री के टेम्परेचर में करते हैं। मैं एक बार हमारे जो हेयर एक्सपर्ट है मैं उनसे वो चीज़ क्लियर करा के आपको कंफर्म बताती हूँ आगे। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मेरी फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद के हेयर का लुक काफ़ी अलग लुक चेंज हो चुका है। अब आगे की जो प्रोसेस होती है सेकेंड वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जो सेकेंड प्रोसेस है वो इन्होंने स्टार्ट कर दी है हमारे हेयर एक्सपर्ट ने। फ्रेंड्स जो हमारे हेयर एक्सपर्ट हैं रेहान जी, वो आपको एग्जैक्टली क्या डिफरेंट होता है स्मूथनिंग एंड केराटीन में वो आपको बताएंगे और क्या बेनिफिट होते हैं, आपके बालों में कैसी ग्रोथ आएगी क्या आएगी वो आपको पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स हमारे जिपल बॉन्ड को ब्रेक करके उनको दूसरी शेप देते हैं, ठीक है। जैसे हमें स्ट्रेट करना है, सॉफ्ट स्ट्रेट करना है, फोकस स्ट्रेट करना है, ठीक है, उसमें बाल रिपेयर वगैरह नहीं होते, उसमें फाइबर वगैरह प्रोटीन वगैरह नहीं होता है, उसका जो है फोकस होता है बाल स्ट्रेट करने पर। और केराटिन जो होता है, केराटिन क्या है, केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट है, वो एक लेमिनेट प्रोडक्ट है जिससे कि हम स्मूथनिंग कर रहे हैं तो स्मूथनिंग के बाद उसको करा सकते हैं। हम जैसे ग्लोबल कलर कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको करा सकते हैं। उससे ये होता है कि जितने भी आपने केमिकल से बाल बर्न किए हैं, फ्रिजी ड्राई डैमेज हुए हैं, वो सब रिपेयर कर देते हैं। हाँ, तो वो होता है प्रोटीन ट्रीटमेंट। और स्मूथनिंग जो होता है वो होता है हमारा नेचुरल बॉन्ड को ब्रेक करके किसी भी चीज़ को, जैसे स्ट्रेट करना है या सॉफ्ट स्ट्रेट करना है उसके लिए। और अगर आप दोनों कराते हो, जैसे पहले आप फर्स्ट स्मूथनिंग कराते हो फिर उसके बाद में जो है केराटिन कराते हो, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बालों में एक्स्ट्रा टाइम होती है, बाल डैमेज नहीं होते, ड्राई नहीं होते और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ओके, आई थिंक मतलब बेटर देन मतलब स्मूथनिंग प्लस केराटिन दोनों चीज़ें करानी चाहिए। ओके, और वैसे भी अभी जो आपके हेयर हैं तो थोड़े से ड्राई से डैमेज हैं क्योंकि आपने थोड़ी सी हिना यूज़ की हुई है, ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं बट हिना यूज़ की हुई है। हिना से क्या होता है कि बाल जो क्यूटिकल्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट 101% वर्क नहीं करता है। किसी में 60% रिजल्ट आता है, किसी में 70% आता है, किसी में 90% भी आ जाता है। बट अवॉइड करो हिना को कि हिना वालों में ना लगे। कोई अच्छी कंपनी का कलर यूज़ करो, किसी भी कंपनी का, उससे बालों में इन्वेस्टमेंट भी मिलती है और कलर भी मिलता है। ये फ्रेंड्स ये क्रीम अप्लाई हो चुकी है और हमारे बालों में जैसा कि अभी रेहान जी ने बताया कि हमारे बालों में हिना मेहंदी बहुत लगी हुई है,
तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी वो मुझे दिखा रहे हैं कि क्रीम वाइट है और देखिए ये रेड हो गई है पूरी क्रीम। तो देन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, अभी मुझे वेट करना है। वेट करने के बाद में ये विदाउट शैम्पू उन्होंने वॉश किया हमारे हेयर को अच्छे से। हेयर वॉश होने के बाद में देन ब्लो ड्राई योर हेयर एंड उसके बाद जो हेयर है उसको अच्छे से सेट करेंगे। यू कैन सी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे एक्सपर्ट कॉम एंड ड्राई के थ्रू, मतलब ड्राई के हेल्प से वो अच्छे से हमारे हेयर को सेट कर रहे हैं। और जो हमारी सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमारा जो हेयर का लुक आ रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। अब मुझे नेक्स्ट डे आना है, उसमें हमारे हेयर वॉश करेंगे और क्रेटिन की सारी जो प्रोसेस होगी वो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स अभी आप देख पा रहे हैं ये सेक्टर 14 है, जो सलून सेक्टर 14 में है और ये सेक्टर 14 की मार्केट है। और मैं स्पेशली सेक्टर 14 की मार्केट वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये ट्रीटमेंट कैसा लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो से, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट